1483 में आज के दिन रिचर्ड तृतीय इंग्लैंड के राजा बने थे। 1885 में आज के दिन लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस खोज ने चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी थी। 1901 में आज के दिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। वे एक शिक्षाविद और चिंतक थे। 1923 में आज के दिन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1944 में महात्मा गांधी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। 1946 में आज के दिन अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश का जन्म हुआ था। 1961 में आज के दिन मोजाम्बिक के निकट मोर्तगाल के जहाज में विस्फोट से 300 लोग मारे गए। 1964 में आज के दिन अफ्रीका महाद्वीप का देश मलावी ब्रिटेन से आजाद हुआ और आज के दिन को इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। 1986 में आज के दिन भारत के चौथे उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम का निधन हुआ था। आज के दिन 1997 में प्रख्यात भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता एवं पटकथा लेखक चेतन आनंद का निधन हुआ। साल 2002 में आज के दिन भारतीय कारोबारी एवं रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ था। 2005 में आज के दिन मेक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पश्चिम मिला। 2006 में आज के दिन भारत और चीन के बीच 1962 के युद्ध के बाद से बंद पड़े नाथुला दर्रे को 44 वर्ष बाद खोला गया। यहाँ से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। 2008 में आज के दिन दक्षिणी मिस्र में 5,000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई। साल 2009 में आज के दिन जद्रांका कोसोर क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।